हेलो माय लवली पीपल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। यस, राजमा की रेसिपी इन माय स्टाइल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी वे में हम बनाएंगे राजमा। तो यहाँ पर हमने राजमा ले लिए हैं, इनको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इन्हें सोक करेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट सोक करने का फ़ायदा ये रहता है कि नेक्स्ट डे आप जब भी इन्हें कुक करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो अगली मॉर्निंग हो गई है, मैंने रात की वीडियो पहले दिखाई है। अब आप देखेंगे ये सोक होने के बाद इनका साइज़ बिग हो जाता है। अब जिस वाटर में आपने सोक किया है फ्रेंड, उस पानी को हम फेंक देंगे और फ्रेश पानी इसमें भरेंगे। तो इसको पहले एक दो बार वॉश भी कर लेना, उसके बाद अब इसको हम डाल रहे हैं कुकर में और वाटर ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए, उसे थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। हींग भी डालेंगे, हींग जितने भी मोटी दालें होती हैं उसमें ज़रूर डालें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मेथी दाना। मेथी दाना वायु कम करता है, जो भी वायली दालें होती हैं उनका वायु कम करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ज़रूर डालिए राजमा चने सब में। स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बे लीफ भी ऐड करेंगे यहाँ पर। इन सब का जब ये बॉईल होगा अच्छे से, इसमें सीटी आएंगी तो इनका सारा इफेक्ट आपकी दाल में आ जाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पर, सॉल्ट 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं, 2.5। बाकी हम तड़के के टाइम डालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, देसी घी का 1-1.5 चम्मच। अब हम अपने प्रेशर कुकर को कर लेंगे बंद अच्छे से और चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। अच्छे से चेक करेंगे चढ़ाने के बाद सब ओके है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसे देखिए देनी है 4 सीटियाँ फुल फ्लेम पे, एंड देन हम फ्लेम को इस तरह से सिम कर लेंगे, यानी कि कम कर लेंगे, और फिर उसके बाद 3 से 4 सीटियाँ इज अनफ। फिर भी आप उसके बाद खोल के चेक कर लीजिएगा आपके राजमा कुक हुए हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, तड़के की तैयारी शुरू हो गई है। गार्लिक यानी कि लहसुन, जिंजर, ग्रीन चिली एंड अनियंस एंड टोमेटोज, ये सब रेडी है। रेडी इन द सेंस कि मैंने इनको पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इन्हें चॉपर में इधर मिक्सी में, आपको जो भी बेटर लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ चॉप करेंगे और इन दोनों को सेपरेट और टोमेटोज एंड में, सबसे पहले इसे फिर इसे फिर इसे। चलिए इसे जल्दी से चॉप करते हैं और अपना तड़का स्टार्ट करते हैं, और साथ ही में हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी ग्रीन टी, आई मीन जैसे माई ब्लू टी। तो चलिए काम भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने राइस ब्रन ऑयल पुट कर दिया है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, आज बनाएंगे माय काइंड ऑफ राजमा विच आई रियली लव। ऑयल थोड़ा हीटअप हो जाए ना, तो उसके बाद आपने ये ऐसे बटर पुट करना है इसमें। बटर सिर्फ खाली बटर इसमें पुट नहीं कर रहे, क्योंकि तड़का जो है फुल्ली कुक होगा तो बटर जो है ना वो जल सकता है, वो ब्राउन हो जाता है जल के, तो इसलिए हमें पहले थोड़ा ऑयल यूज करना होता है, फिर आप अच्छे से अपने स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस जब भी ऐड करने हो फ्लेम को लो कर लीजिए तो सही रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें लौंग और काली मिर्च है, बे लीफ तेज पत्ता, दालचीनी, 1 बिग इलायची, और ये इतना सा टुकड़ा डाल रही हूँ मैं, चक्रफूल आता है ना चक्रफूल, उसका ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि फिर इन्हीं का फ्लेवर ना एनहेंस हो जाएगा, तो इतना इतना ही डालेंगे। मैंने पहले भी ऑलरेडी चीज़ें कुछ बॉइल जब मैंने राजमा किए थे तब भी पुट किए थे, तो वो मैंने दिखाया था हमने क्या क्या पुट किया है वीडियो में।
वन रेड मिर्च, वैसे मैंने ग्रीन चिली काफ़ी डाल दी है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, यावी ने भी खाना होता है, यावी को मिर्ची नहीं पसंद है। अब पुट करेंगे फ्रेंड्स हम इसमें जीरा, वन टेबलस्पून जीरा एंड विल से वन टेबलस्पून दिस व्हाट यू कॉल इट मेथी दाना, एंड हींग नहीं भूलना, हींग इज वेरी मैंडेटरी, मोटी दालों में ना हींग बहुत जरूरी है। अब इस स्टेज के बाद ऐड होगा जो हमने अनियन एंड गार्लिक चॉप करके रखा है वो। लेट्स पुट गार्लिक फर्स्ट, गार्लिक और ये जिंजर एंड ग्रीन चिली है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गार्लिक ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम पुट करेंगे अनियन, जितना भी हमने चॉप अनियन किया था ना सब इसमें पुट कर दें। अब फ्रेंड्स इस स्टेज पे हम पुट करेंगे धनिया पाउडर, जो मैंने खुद ही घर में सूखे धनिया से बनाया है। अब इसका हम ना ऑयल छोड़ने का वेट करेंगे, अनियन एक बार ऑयल छोड़ जाए थोड़ा ब्राउन कलर में शिफ्ट हो जाए फिर वी विल पुट टमाटर प्यूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जो ये हैं अनियंस कुक हो गए हैं, अब डाल देंगे हम टमाटर। फ्रेंड्स जब भी आप कास्ट आयरन पे बनाएंगे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, कास्ट आयरन बहुत हीट होने में तो टाइम लेता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बट वंस हीट हो जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुक हो जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अब यहीं पर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे हम हल्दी, वन टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून मिर्ची लाल मिर्ची एंड सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए, मैंने पहले भी बॉइलिंग में ऐड किया है तो यहाँ पर इस स्टेज पे मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डालूंगी। अब रहता है गरम मसाला, ये गरम मसाला भी हमने ऐड कर दिया, ज्यादा नहीं डालूंगी गरम मसाला, इस खड़े मसाले भी ऑलरेडी पुट किए हैं, अब इसे हम कुक होने देंगे अच्छे से। अब एक बार टमाटोज भी अपना ऑयल छोड़ दे खोल के कहीं कुछ चलाते रहना ताकि नीचे हमारा मसाला स्टिक ना करे, खुशबू तो ना मजेदार। When you love cooking, no, you can experience खुशबू मसालों की फ्रेग्रेंसी, तभी पता लगेगा इफ यू लव कुकिंग, इफ यू डोंट लव कुकिंग तो आपके लिए सब एक बराबर है। तो फ्रेंड देखिए काफी थोड़ा ऑयल छोड़ना ना स्टार्ट कर दिया टमाटोज ने। अब इस स्टेज पे माय सीक्रेट यानी कि मेरे टाइप के राजमा में ही डलता है, नॉर्मल आई डोंट नो पीपल पुट इट और नो, मलाई, घर की फ्रेश मलाई हमने इस स्टेज पे 2 to 3 टेबल फुल स्पून इस स्टेज पे आपने ये इसमें डालनी। थोड़ा सा राजमा को क्रीमी टेक्सचर देगा ये, एंड वंस यू आर डन विद इट हमने डाल दिया ये, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे
थोड़ा सा कुक होने देंगे। चेक मलाई नीचे ना लगे, नीचे लगेगी तो जल्दी स्मेल आपको आएगी। तो अच्छे से कुक हो गया है ये, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब वाटर के बाद हमने इसमें ऐड करना है, ये भी मेरा ही सीक्रेट है, मेरी रेसिपी में जरूर डलता है ये। राजमा शुड बी लाइक यम, तो थोड़ा देसी घी यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे, 1 to 2 spoons। अब ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, बट मेरा स्टेज वाइज ऐड होता है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 spoon डालूंगी, बाकी मुझे भी आगे भी ऐड करना है तो खाना है। आप देसी घी डालते हैं, देसी घी की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना खाने में, हम मजा आ जाता है, मतलब बिना खाए मजा आ जाता है बोलते तो। तो ये जो हमने राजमा बॉईल कर लिए थे, ये देखिए इट्स डन। फ्रेंड्स अब देखिए राजमा हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं, उन्हें हम चेक कैसे करें, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कैमरा नहीं मूव कर रही, ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये राजमा है, ये देखिए ऐसे प्रेस हो रहे हैं ना अच्छे से इस तरह से, तो मतलब ये कुक हैं। अभी थोड़े से कुक किए, कढ़ाई में जान के इसमें भी होंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए। नाउ इज द स्टेज जहाँ पे हमें राजमा ऐड करना है। पानी और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे आप अपना सॉल्ट मिर्ची चेक कर लीजिए। अब इस स्टेज पे हम पुट करेंगे फ्रेंड्स थोड़ी सी ये वाली ड्राइड मेथी, वट डू कॉल इट, कसूरी और कस्तूरी मेथी समथिंग, स्पाइसेस के एग्जैक्टली नाम पता नहीं है मुझे, बस पता है कि ये डालना है इसमें, ये अच्छा फ्लेवर देगा, कस्तूरी या कसूरी समथिंग लाइक दिस ओनली। तो ये वही मेथी है। अब हमें इसे सेम आंच पे फॉर अनदर 5 minutes के लिए बॉयल होने देंगे कवर होके, ताकि जो राजमा है ना उसके अंदर जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो फ्लेवर सारा उसके अंदर चला जाए। विल वेट फॉर अदर 5 minutes एंड उसके बाद देखेंगे फाइनल लुक। बन गए हैं। इसे कवर करके रखते हैं, तब तक राइस बना लेते हैं, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे राइस के साथ। यहाँ पर मेरे राइस विद राजमा रेडी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं राजमा चावल। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स राजमा राइस के साथ ना बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है देसी घी का, कभी भी राजमा राइस खाने ऊपर से देसी घी डाल के खाइएगा, टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये टिप याद रखिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।